नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंदी चक्रवर्ती। दोस्तों, हमारे देश में जो आर्थिक नीतियां चल रही है वो सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ सूट बूट वालों के लिए, और इसका जो एक साइड इफेक्ट है, जैसे आप दवाई लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, उसी तरीके का हमारे देश की आर्थिक नीतियों का जो साइड इफेक्ट ये है कि हमारा आर्थिक विकास बिल्कुल ठप पड़ गया। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में सिर्फ अमीर लोग नहीं होते। हाँ, अमीर होते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, फिर आते हैं जिनको हम अपर मिडिल क्लास लोग कहते हैं, जो चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है। फिर आता है मिडिल इनकम ग्रुप, हाँ, जो थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत ये कहीं पे एक बाइक खरीद लेते हैं, छोटा घर पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है लोअर इनकम ग्रुप, ये वर्किंग क्लास जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं ये भी थोड़ा बहुत चीज़ें खरीदते हैं, साबुन हो, शैम्पू हो, टॉर्च हो, ये सब चीज़ें खरीदते हैं, साइकिल हो ये। और उसके बाद आते हैं गरीब लोग। जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन आपका गरीबों का होगा किसी भी देश में, उतना कम खरीदारी होगी उस देश में, और उतनी ज़रूरत है उस देश में आर्थिक विकास की, और साथ में कि जो पैसा देश में, जो कुल आमदनी हो रही देश में, गरीबों तक पहुंचे, लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचे, मिडिल क्लास तक पहुंचे, फिर ये लोग खरीदेंगे, चाहे वो चीज़ें हों या सेवाएं हों, इन पर वो पैसा खर्च करेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, ऑफिसें चलेंगी और जीडीपी, देश की कुल आय बढ़ेगी। खैर, हमारे देश में ये ब्रेकअप क्या है, ये सारा डेटा मेरा जो है आपके सामने, ये सीएमआई का डेटा है। तो अगर हम देखें कि हमारे देश में जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब किनको लिया जा रहा है, जो साल में जिनकी आमदनी 1 लाख है, पूरे परिवार की आमदनी लगभग 1 लाख है, ऐसे हमारे देश में 5,40,00,000 परिवार हैं। ठीक है, मतलब जिनका आमदनी महीने में 8,333 रुपए से कम है, पूरे परिवार का चार पाँच लोगों के लिए इतना पैसा, आप समझ सकते हैं कि ये लोग गरीब हैं। उसके बाद आता है जिनका मासिक आय परिवार का लगभग 8,300 से 16,600 के बीच में, 16,700 के आसपास आता है, मतलब 1 से 2 लाख रुपए सालाना इनका इनकम रहता है। ऐसे हमारे देश में लगभग 8 करोड़ परिवार। उसके बाद आते हैं जिनका, जो सबसे बड़ा है, उसके बाद आते हैं जो 2 लाख से 5 लाख सालाना इनका इनकम है, पारिवारिक इनकम, एक आदमी का नहीं, पारिवारिक इनकम, यानी ये लोग लगभग 16,700 से लेकर लगभग 41,000-42,000 के आसपास पारिवारिक खर्चा कर पाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसे लोग बहुत कुछ नहीं खरीद पाते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा ईएमआई पे लेकर एक छोटे घर पर ईएमआई दे दिया, बाइक खरीद लिया, छोटा गाड़ी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, माइक्रोवेव खरीद लिया। ये जो मिडिल इनकम ग्रुप है हमारे देश में, ये सबसे बड़ा है, लगभग 16 करोड़ हमारे देश में ऐसे लोग हैं। और उसके बाद हमारे देश में आता है जिसको हम अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो लगभग, जैसे कुल हमारे देश में परिवार लगभग 32 करोड़ के आसपास है, 32-33 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ ऐसे हैं जिनको हम अपर मिडिल क्लास में डाल सकते हैं, जिनकी मासिक आय 5 लाख से, सालाना आय 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यानी ये 42 से लेके लगभग 83,000 रुपए का मासिक इनका पारिवारिक आय होता है। और उसके बाद आता है रिच क्लास, जिनका 10 लाख से ज़्यादा सालाना आय है, यानी इनका मासिक आय 83,000 से ज़्यादा है, और वो कहीं पर भी जा सकते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का भी मासिक आय ऐसा हो सकता है। हाँ, वो नंबर धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन ये जो हैं ये भी बहुत कम है हमारे देश में। लगभग सिर्फ 30 लाख परिवार ऐसे हैं जो ज़्यादा खर्च कर पाते, जिनका सालाना आय 10 लाख के ज़्यादा है या मासिक आय 83,000-84,000 से ज़्यादा है, पारिवारिक पूरी आय। और ये कोविड से पहले लगभग 40 लाख ऐसे परिवार थे, वो घटकर 30 लाख पर आ गए हैं। तो अगर मैं पूरे ये जो मैंने 32-33 करोड़ परिवारों की बात करी है, तो जो लोअर इनकम ग्रुप यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं, गरीब नहीं, उससे थोड़े ऊपर जो हैं, जो जैसे मैंने कहा कि 8,300 से लेकर 16,000
600-700 के आसपास इनका मासिक आय होता है। ऐसे लोग लगभग 25% हमारे देश में, ऐसे परिवार 25%। उसके बाद सबसे बड़ा है जिसको आप मिडिल इनकम ग्रुप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा आय नहीं है ये भी, 16,700 से लेकर 42,000 के आसपास, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि अगर ये शहर में चार लोगों का परिवार हो और साथ में एक मतलब दो बच्चे, मियाँ बीवी और साथ में कोई बूढ़े माँ बाप में से एक हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते। खाने पीने, बच्चों की स्कूल की फीस, रेंट वगैरह देने में, मेडिकल वेडिकल करते करते ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बचत का भी चांस बहुत कम है और खर्चे का भी चांस, लेकिन ये भी, ये सबसे ज़्यादा मैंने आपको कहा कि लगभग 50%। तो मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम ग्रुप, ये लगभग 75% हमारे देश में। जो टॉप के लोग हैं वो बहुत कम है जो खरीद सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। अगर मैं ये मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं और जो लोअर इनकम ग्रुप है, इनमें अगर मैं इनका सेंटिमेंट देखूं, कंज्यूमर सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सेंटिमेंट का मतलब होता है कि ये कितना खरीदना चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं। तो CMI के ये आंकड़े हैं, CMI का कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स, इससे ये पता चले कि आने वाले दिनों में क्या ये चीज़ें खरीदेंगे, या इनको लगता है कि नहीं नहीं भैया हमारे पास पैसे नहीं है, बचत करो, हम खरीद नहीं सकते। ऐसे अगर मैं देखूँ तो 2015 के एंड में कंज्यूमर सेंटिमेंट अगर 100 था दोनों ग्रुप का, सबसे जो लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है, इन दोनों का अगर मैं ले लूं तो 100 दोनों का था लेवल। हाँ, ये कि अगर आप सोचिए कि ये सोच रहे थे कि 100 रुपये अगले साल में हम खर्च करेंगे, ये जुलाई 2021 में आकर ये आधे पे आ चुका है, आधे से भी कम। अगर वो 100 सोच रहे थे खर्च करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हम 39 खर्च करेंगे, और ये तो फिर भी पिछले जून की तुलना में बेहतर है, अगस्त में फिर से गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हमारा वर्ग है 75%, ये लोग खर्च करने को तैयार नहीं है। मतलब हमारे देश में मांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी पे कट हो गई है, इनकी नौकरी आ गई है, और ऊपर से महंगाई दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैंक में अगर कोई बचत किया होगा, फिक्स डिपॉजिट, उस पर रिटर्न कम है, लेकिन टैक्स भरना पड़ रहा है। अगर वो काम पे जाते हैं तो पेट्रोल डीजल पर आप देख लीजिए कि अभी कितना खर्चा उनका निकल रहा है। तो इसीलिए ये खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारे देश में कोई मांग नहीं। और देखिए, मैं जनवरी 2019 के साथ जुलाई 2021 का कंपैरिजन करूंगा कि जिन लोगों के पास काम है उनको, उनके पास किस टाइप का काम था, किस टाइप की नौकरी या रोजगार उनके पास था। तो जनवरी 19 में अगर हम देखें तो बिजनेस करने वाले, और बिजनेस मत सोचिए कि कोई बड़ा सेठ है इसमें, जो चाय का दुकान जिसने बिठा रखा हो, या कोई गाड़ी का मैकेनिक है वो भी बिजनेस वाला है, ठीक है। इसमें तो ऐसे हमारे देश में जनवरी 19 में कुल जितने लोगों के पास रोजगार था, 18% बिजनेस वाले थे। जिनके पास रेगुलर सैलरी वाली नौकरी थी, यानी वेतन रेगुलर मिलता था, जो सब चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफ, सबसे सिक्योर, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा इसी से आता है, ऐसे 23% कुल जितने लोग काम कर रहे थे, 23% ऐसे थे सैलरी वाले। जो लोग छोटे कारोबारी हैं या डेली काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, ऐसे 33% लोग, ठीक है। और जो खेती करते हैं ऐसे लोग 26% कुल जितने थे। आप जानते हैं खेती में पैसा बहुत कम है और दिहाड़ी मजदूर का भी पैसा बहुत कम है। बिजनेस वाले थोड़े बहुत कमा लेते, सबसे अच्छा है सैलरी वाली नौकरी, हम सब जानते हैं। खैर, अगर मैं आऊं जुलाई 2021 में, तो बिजनेस वाले उतने ही हैं, 18% ही है, टोटल घट गया है। क्योंकि आप देखिए, ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था कि 2019 के जनवरी में लगभग 40,60,00,000 लोगों के पास नौकरियां थी, आप देखेंगे वो भी घट गया है दो साल में। खैर, जुलाई 21 में मैंने बताया बिजनेस वाले 18% है, टोटल का घट गया है क्योंकि कुल नौकरियां घट गई है, फिर भी 18%। सैलरी वाले अब सिर्फ 19%, आप देखिए 23% से घटकर 19% पे आ गए हैं। छोटे कारोबारी दिहाड़ी मजदूर वाले उतने ही लगभग हैं, 32-33%। अब आप देखिए कि किसान जो खेती करते हैं, वो पहले 26% थे, वो 31% हो गया है, और कुल नौकरियां जहां 40 करोड़ 60
लाख थी वो गिरकर 39 करोड़ 90 लाख पर आ गया है। तो खेती में जब लोग जाते हैं, इसको मैंने बहुत बार आपको बताया, जब खेती में काम बढ़ जाता है किसी भी डेवलपिंग देश में, जहाँ पे विकासशील देश हो, इसका मतलब है ये एक तरीके का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तरीके का बेरोजगारी है, ये असली रोजगार नहीं है। जहाँ पे 3 लोग काम कर सकते थे 4 लोग कर रहे हैं क्योंकि शहर में काम नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है, ऑफिस में काम नहीं, वो गाँव वापस चले गए। यानी ये छिपी हुई बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ गई है। सैलरी वालों की जो रेशियो है वो कम हो गई है और इसके चलते लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रहे और खर्च करेंगे भी नहीं, और अगर खर्च नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश में विकास नहीं होगा। हाँ, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते रहेंगे, उनके लिए सब कुछ साफ सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इतने जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जो डिलीवर करते हैं घर अमीरों के घरों में, चाहे वो सामान हो या खाना हो, वो करते रहेंगे। अमीरों को फ़ायदा, अमीरों का बोलबाला, सेठ लोगों का फ़ायदा, सूट बूट वालों का फ़ायदा, क्योंकि यही आर्थिक नीति हमारे देश में 30 साल से चली आ रही है। आज का शो यही तक, न्यूज़ क्लिक देखते रहिएगा।